कैसे घटी है चोरी की घटना? हम तो क्लिनिक पर से जो ना रात में आए 10 बजे से, 10:30 बज गया होगा। वहाँ से हम आए लेट से, खाना खाए करीब 11 बजे, समाचार वगैरह सुन के और इनको बोले कि गेट लगा लो, हम सटा दिए गेट को, लगाई नहीं, सो गए दोनों। हम अपना दो बगल वाला रूम में आके गेट लगा के सो गए। 3:30 बजे करीब बच्चिया उठी तो अपना मोबाइल हम खोजने लगी, तो सोची क्या कि पापा ले गए हैं मोबाइल। तब जो है ना उठाई, वो देखती है इसका गोदरेज का जो है ना वो लॉकर वगैरह सब खुला हुआ है, तो वहाँ दौड़ के गई हमको उठाने के लिए कि भाई लॉकर का पापा देखते हैं ताला वगैरह सब खुला हुआ है और सामान सब गोल है। बोले क्या सब निकला? करके मेरा मोबाइल भी चला गया और जेवर वगैरह जो था वो गया है, और पैसा ऊपर वाला जो कुछ नहीं लिया है, नीचे में जो पर्स था उसी से वो 30-35 रात में जो बिक्री था दुकान का बस उतना ही जो है ना सामान लेके गया। तो बाहर जो निकले हैं तो देखते हैं सब जेवर वाला सब डब्बा सब जो है ना खोल खोल के गेट पे फेंका हुआ है, कुछ किचन में फेंका हुआ है। तब हम करीब 4:15 बजे थाना गए। थाना पर जो है ना स्टाफ सब नहीं थे, एक स्टाफ थे, बोले कि अभी तो कोई नहीं है, सुबह में आइएगा, हमें मुंशी जी भी आएंगे तब एप्लीकेशन लिखा के दे दीजिएगा। कितने की चोरी हुई है लगभग? वही 2 भर करीब जेवर था और 3500-3500 रुपया जो है जो रात का जो है सेल था दुकान का वो जो है रखे हुए थे वही जो है लेगा, और सब कुछ नहीं निकाला। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार देव।